हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए कैसे रेमेडी लेकर आए हैं। इस क्रीम को लगाने से आपके चेहरे के अनचाहे बाल रिमूव हो जाएंगे। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। क्रीम बनाने के लिए हमने लिया है कॉर्नफ्लोर लिया है एक चम्मच, तो आपको भी लेना है इस तरह से एक चम्मच। और इसमें हम मिलाएँगे टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर जो आप किचन में यूज करते हैं उसी को लेना है। तो हमने एक चुटकी लिया है टर्मरिक पाउडर, इसे हम डाल देंगे बॉल में। और इसके साथ ही हम डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसका घोल बना लेंगे। पहले इसका हम घोल बना लेंगे अच्छे से, ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहने पाए। और अब हम लेंगे एक बाउल, उसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे इसे, क्योंकि हमें इसे पकाना है और क्रीम बनाना है, जेल की तरह बनाना है। तो चलिए अब इसको हम पका लेते हैं। पहले पकाने के लिए मैंने इसे रख दिया है और अब हम इसको इसी तरह चलाते हुए पकाएंगे। और कंटिन्यू इसे चलाना है ताकि इसमें लम्स ना बनने पाए, गांठे ना हो। और इसे पकाना है अच्छे से गाढ़ा होने तक। कंटिन्यू चलाते हुए हमने इसे पका लिया। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, कितना गाढ़ा हो गया है, कितनी शाइनिंग बनी है क्रीम, बहुत अच्छी बनी है। और इसे अब हम ठंडा होने देंगे, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम इसको अप्लाई करेंगे चेहरे में। यकीन मानिए फ्रेंड्स, इस क्रीम को लगाने से चेहरे में चमक बढ़ती है, चेहरे के अनचाहे बाल रिमूव होते हैं, कालापन दूर होता है। और इस क्रीम को एक हफ्ते तक आप फ्रिज में रख सकते हैं एयर टाइट कंटेनर में, बिल्कुल ख़राब नहीं होता, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो आप इस क्रीम को ज़रूर लगाइएगा। लेकिन इस क्रीम को लगाने से पहले अपने चेहरे को बहुत अच्छे से वॉश कर लीजिएगा पानी से, क्योंकि चेहरे में कोई क्रीम ना लगा हो और कोई गंदगी ना हो, इसलिए चेहरे को अच्छे से साफ कर लेना है। उसके बाद अपने चेहरे में इसे लगाना है जहाँ बाल ज़्यादा हो, आपके मूछें निकली हों, ज़्यादा दाढ़ी निकली हो, आप वहाँ पे लगाइए। ज़्यादा इसे गाढ़ा गाढ़ा लगाकर छोड़ दीजिएगा, सूखने दीजिएगा, बिल्कुल ड्राई होने दीजिएगा। हल्का सा नमी रहने पर इसे हल्के हाथों से रगड़ रगड़ के रिमूव करना है, ताकि आपके चेहरे के बाल निकल सकें। इसी तरह से आप हफ्ते में 3 या 4 बार लगा सकते हैं, आपके पास जितना भी समय हो, और इसे बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है फ्रेंड्स इस क्रीम को लगाने से। तो देखिए, मैंने इस तरह से अप्लाई किया, इसी तरह से अप्लाई करना है अपने चेहरे में और सूखने देना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वाली क्रीम बनाने की वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। सब्सक्राइब करने से मेरी सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी फ्रेंड्स। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।